टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। सीनियर सर, दीपावली जो है करीब कोरोना काल के बाद अब कहीं ना कहीं दीपावली जो है लोगों को एक खुलकर मनाने का मौका मिला है, लेकिन अभी भी कोरोना जो है कम नहीं हुआ है, तो इसके लिए कुछ क्या अभी भी गाइडलाइंस वगैरह ऐसा हैं कि लोगों को कुछ अपने नियम कानून के तहत जो है दीपावली मनाने के लिए कहा जाएगा, क्या इसके बारे में आप जानकारी देंगे? आप दो साल से आप देख रहे कोरोना की वजह से पूरे त्यौहार अकेले दीपावली में तो जितने भी त्यौहार आ गए सब उसके वो हिसाब से कोई भी त्यौहार मनाने को नहीं मिला है, थोड़ा सा फ्री मिला है, इसका मतलब ख़त्म नहीं हुआ है, तो पूरा उसका ध्यान रख के जो कि उसको जो अपने उसके नियम है कोविड के जरिए में उसका पूरा पालन करके दिवाली मनाई, फिर कोई नई मुसीबत डेल्टा 3 का कुछ जो बोल रहे इसका कुछ संशोधन नहीं होना, इसका सब लोग अपने अपनी जगह खबरदारी ले और दिवाली का आनंद। सर, देखा जाता है कि दीपावली के दिन जो है लगातार पूरी रात ही जो है पटाखे फोड़े जाते हैं, तो क्या ऐसा कुछ है आपके तरफ से कुछ टीम वगैरह गठित की गई है कि जो गलियों में जाकर देख सके कि 10 बजे के बाद या 11 बजे 12 बजे के बाद पूरी रात मतलब पटाखे ना फोड़े जाए? उसके लिए हमारे पूरे नाइट की टीम रहेगी, एक बार पूरा टाउन 12 बजे तक 11 के बाद हम पूरा टाउन ऐसे ही अभी पूरा टाउन बंद करते हैं, तो 11 से 12 बजे तक पूरा टाइम बंद करने के लिए हमारी पूरे की पूरी टीम बाहर रहती है। इसी दौरान लोगों को भी हमारा यह आह्वान रहेगा कि तुम भी उसके पहले ही अपना पटाखे फोड़े और शांति रहते। सर, जिस तरह से पटाखे फोड़ने के दौरान दुर्घटनाएं हो जाती हैं ख़ासतौर पर बच्चों को, तो आप ऐसे माँ बाप को क्या कहना चाहेंगे कि किस तरह से पटाखे जलाएं ऐसे बच्चों के साथ में, माँ बाप को जो भी फुलझड़ी वगैरह हो छोटे से छोटे पटाखे जलाएं कि ताकि प्रदूषण भी ना फैले, इसी लोगों को क्या कहना चाहेंगे? एक तो मैं इसके बारे में यह आह्वान करूँगी कि अपने बच्चे की हाथ में जब कोई भी पटाखे आवाज़ की कम आवाज़ वाली छोटे बच्चे के हिसाब से वो उनके लिए दे दी जाए, और उसके लिए जब बच्चे कोई पटाखे बोल रहे तो उस टाइम अपना कोई बड़ा आदमी उनके पास रहे और उनको कोई ईजा नहीं हो, क्योंकि इसका पूरा पूरा ख्याल रखे। मौके दिवाली के शुभ मौके पर क्या लोगों से कहें? सब लोगों को मैं यही बोलूँगा कि अपना त्यौहार अच्छे ढंग से मनाए, लेकिन कोविड का पूरा के पूरा पालन करके मनाए, यही हमारी तरफ से सब लोगों को गुजारिश रहेगी और हमारे तरफ से सभी लोगों को दिवाली के खूब खूब हार्दिक शुभेच्छा।